फ्यूचर माइनर, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने और पसंदीदा यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने जा रहे हैं अंडरग्राउंड कोल माइंस के एक मेथड ऑफ वर्किंग को। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ वर्किंग है ये। तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। तो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड, उसका एप्लीकेबिलिटी देखेंगे कि कहां कहां एप्लीकेबल होता है, किस कंडीशन में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड का एडवांटेजेस देखेंगे कि किस किस कंडीशन में ये हम लोग को एडवांटेज दे सकता है। इसका डिसएडवांटेज देखेंगे कि इसको हम लोग यूज करेंगे तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती है। तो ये तीनों टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो आप चैनल पे बने रहिए, पेशेंस रखिए, आपका ये डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड को पढ़ के एग्जाम देने चले जाते हैं और क्वेश्चन आ जाता है रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड से। तो आप ऐसा गलती मत कीजिए, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका सारा डाउट रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड के क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इसका आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं कि रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड जो है वो बोर्ड एंड पिलर मेथड का एक वेरिएंट है, एक उसका टाइप है। जैसे हम लोग बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में कोल का सपोर्ट छोड़ते हैं, गैलरी को ड्रिवन करते हैं, रोडवेज बनाते हैं, सेम उसी तरह हम लोग रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड में भी करेंगे। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको डिफरेंस ये बता दूं कि रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड एप्लीकेबल वहां होता है जहां पे वर्किंग हम लोग को थिन सिम में करना होता है, पतला सिम में करना होता है। वो पतला सिम का लेंथ क्या होगा, थिकनेस क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि वो सिम जिसका थिकनेस 0.9 मीटर से 1.2 मीटर या फिर 1.3 मीटर के अराउंड में होता है, वैसे सिम में वर्किंग करने के लिए हम लोग रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड का यूज करते हैं। अब इसका मैं आपको बता दूं कि वर्किंग कैसे, इसका हम लोग प्रोसेस कैसे करते हैं। तो रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड हम लोग जब करते हैं तो हम लोग एक रूम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। रूम मतलब होता है यहाँ पे आप समझिए गैलरी, एक गैलरी को कंस्ट्रक्ट करते हैं और जितना ज्यादा चौड़ा हो सके उतना ज्यादा चौड़ा गैलरी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें जो हम लोग पिलर छोड़ते हैं उस पिलर का लेंथ मैं आपको बता दूं और विड्थ बता दूं, उस पिलर का विड्थ होता है 6 से 12 मीटर अराउंड में और उसका जो लेंथ होता है, उसका जो लंबाई होता है पिलर का, वो 12 से 27.4 मीटर लंबा होता है। ठीक है, पिलर का लेंथ और विड्थ आपको बता दिया 4.5 मीटर से 7.5 मीटर। इस माइनिंग मेथड में जो हम लोग सपोर्ट यूज करते हैं वो जनरली रूफ बोल्ट यूज करते हैं और कभी कभी क्या होता है कि इस माइनिंग मेथड में हम लोग जो सपोर्ट छोड़े हुए हैं कोल का उसको एक्सट्रैक्ट करते भी हैं और किसी किसी केस में नहीं भी करते हैं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यदि हमने जो सपोर्ट छोड़ा था उस कोल को एक्सट्रैक्ट कर लिया तो हमारा प्रोडक्शन बेहतर हो जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और अगर नहीं करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन घट जाता है, उतना रिकवरी हम लोग कोल का नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गई कुछ इसके एप्लीकेबिलिटी की बातें। अब हम लोग देखते हैं कुछ इसके एडवांटेजेस कि ये प्रोसेस हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग में अपनाएंगे तो हम लोग क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। पहला एडवांटेज ये है कि ये माइनिंग मेथड को अपनाने के लिए कोई सा भी एडवांस अरेंजमेंट नहीं चाहिए जैसा हम लोग को लॉन्ग वॉल माइनिंग में चाहिए होता है। यदि आपको लॉन्ग वॉल माइनिंग पता होगा तो आप समझ रहे होंगे कि बहुत सारा एडवांस मशीनरी उसमें यूज होता है, रूम एंड पिलर में वैसा कोई मशीनरी कोई अरेंजमेंट का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये माइनिंग मेथड हम लोग जहां यूज करते हैं वहां पे वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा होता है थिन कोल सिम में, मतलब कि जो पतला कोल सिम है उसमें भी हम लोग वर्क कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, किसके हेल्प से, रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड के हेल्प से। ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और इस प्रोसेस का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो एज कंपैरिजन टू बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड बहुत कम है। मतलब जितना कोयला निकालने में बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में खर्चा होता है उससे कम खर्चा में हम लोग रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, ब्लास्टिंग का जो एफिशिएंसी है, ठीक है, वो इस प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ब्लास्टिंग एफिशिएंसी हाई होता है। ये थे कुछ रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड के एडवांटेजेस की बातें, इसमें हम लोगों ने 5 पॉइंट को डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस कि क्यों आखिर अक्सर माइंस में ये यूज नहीं होता है, इंडियन माइंस में ये उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है ये समझते हैं हम लोग। हम लोग जानते हैं कि इसका गैलरी मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ही ज्यादा चौड़ा रखते हैं, चौड़ा रखने के कारण और क्या होता है कि इसमें वेंटिलेशन बहुत ही ज्यादा पुअर होता है। तो वेंटिलेशन पुअर है और गैलरी चौड़ा है तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि आपका क्या होगा, जो भी फ्यूम्स और डाइल्यूट एयर होंगे वो डाइल्यूट नहीं हो पाएंगे माइंस के अंदर, जो भी नॉक्सियस या इन्फ्लेमेबल गैस होंगे एयर होंगे वो अच्छे से घुल नहीं पाएंगे और रिटर्न एयर से फिर वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो किस चीज का चांसेस हो जाएगा, मीथेन लेयरिंग का चांसेस हो जाएगा माइंस में, क्योंकि वेंटिलेशन पुअर है और बहुत ही ज्यादा गैलरी क्या है, चौड़ा है। और इस माइनिंग मेथड में क्या डिसएडवांटेज है कि ये माइनिंग मेथड में स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाता है। चौथा पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर स्टार्टअप बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो रूफ फॉल होने का भी चांसेस हो सकता है। ये सेम प्रॉब्लम होता है बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में भी, अगर रूफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो रूफ फॉल हो सकता है।
तो ये चार पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड का डिसएडवांटेजेस को। आशा करता हूँ कि आपको रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो डे टू डे देखने के लिए। मिलते हैं कल अपने CMR के नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, कीप सपोर्टिव।